हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑन स्टेबिलिटी पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑन एस्टिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। पहला पॉइंट है एसिड आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर लोन पेयर डोनर। एसिड हमेशा प्रोटॉन का डोनेशन करता है और बेस जो होता है वो लोन पेयर का डोनेशन करता है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एसिड स्ट्रॉन्गर द एसिड। एसिड का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ही ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होती है। एज आयनाइजेशन आर डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। एसिडिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके है। हमेशा के और पीके के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के बी के। के एंड के बी क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। ये रटना है क्योंकि इससे ऑर्डर बनाने में वो हेल्प मिलती है। एग्जांपल के बारे में बताया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल सिंस कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। करें कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होती है क्योंकि कार्बोक्सिलेट जो आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। देखो RCOH है डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज अल्टरनेट पोजीशन में पाया जा रहा है इसलिए इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है, जबकि एल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं पाया जाता है। एल्कोहल में कोई रेजोनेंस होता है, कहते हैं फिनॉल एल्कोहल में नहीं होता जबकि फिनॉल में रेजोनेंस होता है। फिनॉल इज एसिड सिंस फिनॉक्साइड आयन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज। फिनॉल से क्या बना, फिनॉक्साइड आयन बना, इसमें फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल से क्या बना, फिनॉक्साइड आयन बना। फिनॉक्साइड में माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड क्या है अल्टरनेट पोजिशन पर है इसलिए क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगला पॉइंट है देखो फिनॉल है, फिनॉल से एक एच प्लस निकाल दिया गया है फिनॉक्साइड आयन। कार्बोनेट आयन में माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है इसलिए क्या है कार्बोनिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब आगे हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैसे बढ़ती है, हम कैसे ऑर्डर मैनेज करेंगे। पॉइंट है दूसरा पॉइंट माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ देयर फॉर एरोमेटिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन एलिफैटिक एसिड सिंस C6H5 इज द माइनस आई ग्रुप एंड एल्काइल इज द प्लस आई ग्रुप। अब इसमें एक बात करना है हमें कि देखो जो माइनस आई ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और C6H5 जो एरोमेटिक ग्रुप है वो खुद क्या है माइनस आई ग्रुप है, जबकि जो एलिफैटिक ग्रुप है जो कार्बन चैन है वो क्या है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या है प्लस आई ग्रुप है, तो यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। यानी C6H5 क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ को सपोर्ट करेगा और CH3 क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का अपोज करेगा, इसलिए एरोमेटिक एसिड क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएंगे। इसलिए देखो C6H5OH एरोमेटिक है इसलिए स्ट्रॉन्ग है, फिर वाटर आ जाएगा उसके बाद HOH यानी H2O, फिर ROH आ जाएगा यानी एल्कोहल आ जाएगा। ये जब एसिडिक एसिड का जो ऑर्गेनिक एसिड का जो ऑर्डर था उसी में ये पॉइंट था, उसमें सारे एसिड का ऑर्डर बना हुआ था, ऐसे वहीं से पॉइंट उठाया गया। HCOH C6H5COH CH3COH CH3 का होल ट्वाइस CHCOH। अब बात यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि ये कौन सी एसिड है एरोमेटिक एसिड है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक एसिड से क्या है ज़्यादा है, लेकिन जो फॉर्मिक एसिड है फॉर्मिक एसिड की स्ट्रेंथ एरोमेटिक एसिड से ज़्यादा क्यों है। अब इसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे ऑर्डर में इसके रीज़न के बारे में डिस्कस नहीं किया था, बस इसको गोला करके वहीं पे छोड़ दिया गया था। अब देखना पॉइंट
सी ओ एच हैव मोर माइनस आई इफेक्ट देन द सी सिक्स एच फाइव दियर फोर सी सिक्स फाइव बिहेव एज प्लस आई ग्रुप विथ सी ओ एच फॉर्मिक एसिड बिकम ग्रेटर देन द बेंजोइक एसिड। अब ध्यान देना इस बात में, जो सी सिक्स एच फाइव है ये क्या है, माइनस आई ग्रुप है। सी ओ एच क्या है, ये भी माइनस आई ग्रुप है। लेकिन जो सी ओ एच का माइनस आई ग्रुप होता है वो ज़्यादा होता है सी सिक्स एच फाइव की अपेक्षा, तो इसलिए क्या होता है माइनस आई ग्रुप का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है कम कर देता है। तो सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि इसकी माइनस आई ग्रुप ज़्यादा है, तो सी सिक्स एच फाइव क्या होगा प्लस आई की तरह बिहेव करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा, इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, तो इसलिए क्या करेगा प्लस आई की तरह बिहेव करने लगेगा। इसलिए इस केस में बेंजोइक एसिड के केस में जो सी सिक्स एच फाइव होता है प्लस आई के रूप में बिहेव करने लगता है, इसलिए ये फॉर्मिक एसिड से इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है कम हो जाती है। समझे, तो वही लिखा है सी ओ एच हैव मोर माइनस आई इफेक्ट देन द सी सिक्स एच फाइव दियर फोर सी सिक्स एच फाइव बिहेव एज प्लस आई ग्रुप विथ सी ओ एच एंड फॉर्मिक एसिड बिकम ग्रेटर देन द बेंजोइक एसिड। देखो यहाँ पर हम लिखा है तो सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच है, सी सिक्स एच फाइव के इलेक्ट्रॉन को सी ओ एच अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए सी सिक्स एच फाइव क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एज डिस्टेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप डिक्रीजेज देन स्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, ना जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप का जो डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे स्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी बढ़ती चली जाएगी। इसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, जैसे देखो यहाँ पे सी एल है माइनस आई ग्रुप है, सी ओ एच के बहुत दूर है, यहाँ पे थोड़ा सा करीब आया, यहाँ पे ज़्यादा करीब आ गया, तो जहाँ ज़्यादा करीब होगा वो उसकी स्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है नहीं। प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ दियर फोर एलिफैटिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर देन एरोमेटिक एमीन्स। देखो सी सिक्स एच फाइव अगर एन एच टू की अगर हम बात करते हैं तो क्या एरोमेटिक एमीन है, तो ये माइनस आई ग्रुप हो जाएगा, ये प्लस आई ग्रुप हो जाएगा, है ना, मतलब समझो ये बेस का काम करना है तो माइनस आई ग्रुप हो जाएगा, जबकि हम सी एच थ्री अगर हम सी एच थ्री एन एच टू की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये प्लस आई ग्रुप हो जाएगा, तो ये क्या करेगा इसका सपोर्ट करने लगेगा कि नहीं जाएगा, तो इसलिए बेसिक करेक्टर जो होगा वो एलिफैटिक का ज़्यादा होगा, जबकि एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा एरोमेटिक का ज़्यादा होगा। देखो इसका आर्डर बताया सी सी एच थ्री एन एच टू फिर सी सिक्स फाइव सी एच टू एन एच टू, ये क्या है एलिफैटिक है एरोमेटिक नहीं, क्योंकि बीच में सी एच टू आ गया है, एरोमेटिक तब होता है जब एन एच टू सीधे डायरेक्ट सी सिक्स फाइव से जुड़ा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा सी एच थ्री एन एच टू, यहाँ पे सी फिर हो गया सी सिक्स फाइव सी एच टू एन एच टू क्योंकि ये एलिफैटिक है, फिर टोटल एरोमेटिक सी सिक्स फाइव एन एच टू, फिर डबल एरोमेटिक वाला सी सिक्स फाइव का होल ट्वाइस एन एच, फिर सी सिक्स फाइव का होल थ्राइस एन। समझ में आ रहा, सबसे ज़्यादा एलिफैटिक बेसिक होंगे फिर उसके बाद एरोमेटिक बेसिक होंगे। इन एरोमेटिक कंपाउंड इफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर सेम एटम देन लोन पेयर विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एंड बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ध्यान देना, कह रहे हैं जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक ही एटम पे पाया जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज तो होगा ही, बिल्कुल फिक्स है। इन एरोमेटिक कंपाउंड इफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर सेम एटम देन लोन पेयर विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एंड बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे बात है, यहाँ पे क्या लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों एक ही एटम पे पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गई है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, जबकि इस केस में दोनों केस में रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि पाई बॉन्ड और लोन पेयर एक ही एटम पे नहीं है। अभी केस इसको इसका ऑर्डर समझेंगे,
ये क्या है, एलिफैटिक एमीन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। इसके बाद ए भी एलिफैटिक एमीन है, लेकिन इसमें क्या है, ओ आर आ गया है। ओ आर क्या है, माइनस आई ग्रुप है, और प्लस आर ग्रुप भी है, लेकिन हमें माइनस आई प्लस आई देखना है इसमें। तो क्या है, माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप की वजह से इसकी जो स्टिक स्ट्रेंथ होगी थोड़ा कम हो जाएगी। फिर क्या जाएगा, इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है, लेकिन लोन पेयर क्या है, पाए रेजोनेंस में सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसमें क्या है, लोन पेयर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, उस रिंग में डायरेक्टली नहीं है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ उससे थोड़ा सा कम हो जाएगी। लेकिन इसमें जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसकी स्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और बेसिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा कम हो जाएगी। समझ में आया, फिर से इसको हम बात करेंगे कि आर्डर रटना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा एलिफैटिक एमीन स्ट्रांग होंगे, उसके ए भी एलिफैटिक एमीन है, ए भी स्ट्रांग हुआ, लेकिन इसमें क्या है, माइनस आई ग्रुप आ गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे कम हो गई। अब बात करेंगे इन तीनों में रेजोनेंस पाया जा रहा है, तो इसमें क्या है, लोन पेयर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है रेजोनेंस में, प्रेडीन में, तो प्रेडीन का जो बेसिक करेक्टर होगा वो इन तीनों में से ज़्यादा हो जाएगा। इसमें भी लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, इसमें भी लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, इसमें लोन पेयर जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, क्योंकि ये रिंग के बाहर है, जबकि इसमें लोन पेयर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, क्योंकि ये क्या है, रिंग के अंदर है, जबकि दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं, ए भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ए भी sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन क्या है, इसमें फ़र्क बस इतना है कि इसमें लोन पेयर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है रेजोनेंस में, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस, और जहाँ रेजोनेंस पाया जाएगा वहाँ एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। समझ में आया ना, बस हमें बेसिक करेक्टर में ये ध्यान रखना है कि एलिफैटिक इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक। अगला पॉइंट है, इसका नाम है पायरोल। पायरोल में क्या है, लोन पेयर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, वही पॉइंट लिखा है, इन पायरोल एंड एमाइड। पायरोल में और एमाइड में, एमाइड का लिखा है RCONH2, लोन पेयर और डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट पोजिशन पे है। तो कह रहे हैं, इन पायरोल एंड एमाइड लोन पेयर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, देयरफॉर दे आर लीस्ट बेसिक, इसलिए बहुत कम बेसिक होते हैं, देखो बेसिक करेक्टर पायरोल का सबसे कम है। अब एमीन के बारे में कुछ पॉइंट हैं, ये तीनों को याद करना है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो ये पूछा जाता है। इन गैसेस फेज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। करें अगर हम गैसेस फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो प्लस आई ग्रुप इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे देखो इसमें क्या है, दो प्लस आर ग्रुप लगे हुए हैं या प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें तीन प्लस आई ग्रुप लगे, इसमें दो प्लस आई ग्रुप लगे, इसमें एक प्लस आई ग्रुप लगा, तो सबसे ज़्यादा किसकी स्ट्रेंथ है, टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। कब, जब गैसेस फेज हो या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तब की बात है। लेकिन इन एक्वस सोलूशन आर पोलर सॉल्वेंट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टर्सरी एमीन डिक्रीजेज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब साइज का बड़ा हो जाने से। जब एक्वस सोलूशन या पोलर सॉल्वेंट में हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, तो टर्सरी क्या होगा, सबसे कम हो जाता है। तो सबसे आर्डर किसका होता है भाई, देखो यहाँ पर टर्सरी सबसे आगे था, तो टर्सरी क्या करेगा, सबसे पीछे चला जाएगा, तो क्या होगा, तो सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक्वस सॉल्यूशन का अलग होगा। अब बात आइए, अगर इथाइल ग्रुप हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, देयरफॉर टर्सरी इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी इथाइल एमीन। जो इथाइल एमीन जो है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है, इसलिए टर्सरी थोड़ा सा और आगे आ जाता है प्राइमरी एमीन से। अब देख ध्यान देना इस पॉइंट को, यहाँ पे टर्सरी क्या था, यहाँ पे था, तो टर्सरी थोड़ा आगे आ गया प्राइमरी एमीन से, लेकिन कब, जब इथाइल प्रेजेंट होगा, तो क्या हो जाएगा आपकी ऑर्डर, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर प्राइमरी, ये ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि इसको अब याद करने का मतलब ये है कि जनरली अगर हम बात करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट की,
जनरली हम बात करेंगे जब नॉन पोलर सॉल्वेंट की या गैसेस फेज की, तो टर्सरी ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होगा। जब हम पोलर सॉल्वेंट या एक्वा सॉल्यूशन की बात करेंगे तो टर्सरी क्या होगा, पीछे चला जाएगा, ऑर्डर ए बन जाएगा। जब हम बात करेंगे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया है तो टर्सरी पीछे से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, चिरौरी विनती करेगा। इफ नेचर ऑफ सोल्यूशन, अब बात यह आती है कि तीन फॉर्म हो गए हैं इसके, एक गैसेस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक एक्वस सोल्यूशन या पोलर सॉल्वेंट, एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तीन तरीके से जो एमीन है वो अपना बेसिक करेक्टर शो कर रहे हैं। लेकिन अब कहते हैं कि अगर कोई नेचर ना दिया गया हो तो हम क्या मानेंगे, करें इफ नेचर ऑफ सोल्यूशन नॉट गिवन देन एज्यूम एक्वस, तो हम एक्वस मान के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा हाल, सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, समझ आ रहा है ना। अब हम बात करेंगे स्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के स्टिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। हम तीन पढ़ेंगे, बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे, फिर एमीन पढ़ेंगे, तीन पढ़ेंगे। शायद और कुछ है क्या, फिनॉल पढ़ेंगे, फिर एनिलीन पढ़ेंगे, तीन का हमें बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना है अभी डिटेल में, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।